दोस्तों, जब भी जमीन के अंदर से कोई नई डिस्कवरी होती है, तब हमारे मन में भी एक ख्याल जरूर आता है कि क्यों ना हम भी अपने घर या ऑफिस के नीचे खुदाई करें, क्योंकि हो सकता है कि हमें भी वहां कुछ ऐतिहासिक मिल जाए, क्योंकि हमारी धरती के नीचे कई हजार सालों से बहुत सी चीजें छुपी हुई है। इनमें से कुछ तो ऐतिहासिक है, लेकिन कुछ बहुत सी चीजें बहुत डरावनी है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि धरती के अंदर से मिले कुछ ऐसी ही डरावनी चीजों के बारे में, इसलिए प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 10, यूनिकॉर्न बॉन्स। दोस्तों, यूनिकॉर्न के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, जो कि अक्सर परियों पर आधारित मूवीज में दिखाई देता है। वेल, यूनिकॉर्न घोड़े जैसा ही एक जानवर था, जिसके माथे पर सिंह और शरीर पर पंख मौजूद थे। आज से कुछ सालों पहले खोजकर्ताओं द्वारा एक ऐसा कंकाल खोजा गया है, जो कि देखने में बिल्कुल किसी यूनिकॉर्न की तरह ही है, लेकिन उसे देखकर यह साबित नहीं होता कि यूनिकॉर्न सच में होते हैं, क्योंकि वो देखने में थोड़ा अलग और डरावना सा था। इसके बाद 2012 में उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग, उनके द्वारा ये दावा किया गया कि उन्होंने एक जिंदा यूनिकॉर्न खोज निकाला है, जिसके बाद वो सुर्खियों में बने रहे। उसके बाद 2016 में खोजकर्ताओं को साइबेरियन यूनिकॉर्न के अवशेष मिले, जो कि करीब 29,000 साल पुराने थे, लेकिन यह अवशेष देखने में पौराणिक कथाओं में वर्णित यूनिकॉर्न की तरह तो बिल्कुल भी नहीं थे। नंबर 9, वर्ल्ड्स डीपेस्ट होल। जमीन के अंदर की जो डिस्कवरी जो आप देखने जा रहे हैं, वो दिखने में ज्यादा डरावनी तो नहीं है, लेकिन ये देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रूस के कोला पेनिनसुला में मौजूद कोला सुपर डीप बोर होल की, जो कि करीब 7.6 मील गहरा है, और शायद इसी वजह से इसे नर्क का कुआं भी कहा जाता है। दोस्तों, ये हॉल सोवियत संघ द्वारा खोदा गया था, जो कि दुनिया का इकलौता ऐसा हॉल है जो कि धरती के मेंटल तक खोदा गया है। आप सभी तो जानते ही होंगे कि धरती के मेंटल तक पहुंचने के लिए पूरे क्रस्ट को खोदना होता है, और सोवियत संघ द्वारा ऐसा ही किया गया। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इस होल की खुदाई का काम 1990 में बंद कर दिया गया, क्योंकि इसके अंदर से बहुत ही ज्यादा गर्मी उत्पन्न हो रही थी और तापमान करीब 356 डिग्री पहुंच गया था, जिससे इसकी खुदाई में लगी मशीन पिघलने लगी थी, लेकिन अब इसे एक ढक्कन की मदद से बंद कर दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी जानवर आसानी से गिर सकता है, और एक बार गिरने के बाद उसे कभी वापस नहीं निकाला जा सकता। नंबर 8, बॉब बटर। हमारे घर पर जब भी कोई डेयरी प्रोडक्ट आता है, तब वो खराब ना हो जाए, इसलिए हम उसे फ्रिज में रख लेते हैं। आपने कभी सोचा है, पुराने समय में जब फ्रिज नहीं होते थे, तब लोग अपने डेयरी प्रोडक्ट्स को खराब होने से बचाने के लिए क्या करते होंगे? वेल, ठंडे देश के लोगों के पास एक तरीका होता था, जिसकी मदद से वो इन प्रोडक्ट्स को बचा लेते थे, और वो तरीका था जमीन के अंदर इन चीजों को गाड़ के रखने का, जो कि बहुत ही आसान तरीका था। लेकिन आप सभी को ये जानकर आश्चर्य होगा कि 2011 में आयरलैंड के शहर के अंदर जमीन से बहुत सारा जमा हुआ बटर निकाला गया, जो कि करीब 50 किलो वजनी था और किसी पत्थर के समान लग रहा था। दोस्तों, लगता है सालों पहले कोई अपना बटर जमीन के अंदर छुपाकर उसे निकालना भूल गया, पर आप अब ज्यादा खुश मत होइएगा, क्योंकि ये बटर अब इस्तेमाल के लायक बिल्कुल भी नहीं था। नंबर 7, फैट बर्ग्स। अगर आपको हमारी पिछली डिस्कवरी यानी कि बॉब बटर वाला पॉइंट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो शायद आपको हमारा ये पॉइंट भी बिल्कुल पसंद ना आए, क्योंकि जमीन के अंदर से मिली एक ऐसी चीज थी जो कि किसी को भी हैरान कर देगी। वेल, इस चीज का नाम था फैट बर्ग, जो कि 2013 में लंदन के सीवा में मिला था। दोस्तों, 15 टन वजनी इस जमे हुए फैट को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये बड़ी सी चट्टान हो, क्योंकि इसका साइज करीब एक ट्रक के बराबर था। दोस्तों, इस फैट बर्ग्स की डिस्कवरी तब हुई जब लंदन के किंगस्टन एरिया के लोगों के टॉयलेट अपने आप फ्लश होने लगे, जिसके बाद नीचे सीवर लाइन को चेक किया गया और वहां से यह फैट बर्ग मिला। पहले तो सफाई कर्मचारियों ने जब इस फैट बर्ग्स को देखा तो वो इसे देखकर डर गए, क्योंकि यह बहुत बड़ा और अजीब था, पर बाद में उन्हें पता चला कि यह एक फैट बर्ग है, जो कि लोगों के किचन से निकलने वाली चिकनाई की वजह से इस तरह से सीवर में जम गया था। नंबर 6, कर्स्ट मनी। दोस्तों, सोचिए किसी दिन आप अपने बगीचे में खुदाई कर रहे हो और आपको वहां 1 करोड़ रुपए रखे हुए मिल जाए, तब आपका क्या रिएक्शन होगा? वेल, आप बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे। ऐसी ही खुशी एक बार 2011 में विन सब्बाज नाम के व्यक्ति को तब हुई, जब वो अपने बगीचे से गोभी निकाल रहे थे। तभी उन्हें अपने बगीचे के जमीन के अंदर से बहुत सारे नोट रखे हुए मिले, जो कि बिल्कुल असली थे। जैसे ही उन्हें ये पैसे मिले, उनके पड़ोसी की बेटी ने इन पैसों पर अपना हक बता दिया और बोली कि यह पैसे श्रापित है, जो कि उनकी मां ने जमीन के अंदर दबाए थे।
जिसके बाद सब्बाज ने अदालत में अर्जी दी जहां वो ये केस जीत गए। पर सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि अदालत से ये पैसे कलेक्ट करने के महज 10 दिन पहले ही उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके पिता द्वारा ये पैसे कलेक्ट किया गया। पर जो आप अब सुनने जा रहे हो वो आपको ऊपर से नीचे तक हिला के रख देगा, क्योंकि उन पैसों को कलेक्ट करने के बाद सब्बाज के पिता की भी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है, जिसके बाद सबको ये यकीन हो जाता है कि ये पैसे सच में श्रापित है। नंबर 5, स्वेटशॉप। 2013 में मॉस्को की जमीन के अंदर कुछ कर्मचारियों को एक सिलाई की दुकान मिली जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। इतना ही नहीं, इस दुकान के अंदर एशिया के अलग अलग देशों के करीब 260 वर्कर्स रह रहे थे जो यहाँ सिलाई का काम कर रहे थे, जिस वजह से लोगों द्वारा इस दुकान को एक अंडरग्राउंड शहर के रूप में देखा गया। दोस्तों, सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि इस अंडरग्राउंड दुकान के अंदर एक कैफे, सिनेमा हॉल और खाने के लिए किचन भी मौजूद था। यहाँ रह रहे वर्कर्स द्वारा ये बताया गया कि यहाँ लोग 12 घंटे काम करते थे, जिसके लिए इन्हें महीने के महज 5,000 रुपए ही मिलते हैं और इन्हें हफ्ते में कोई छुट्टी भी नहीं मिलती। अब जब ये दुकान एक बार खोज ली गई, तब पुलिस द्वारा इस पर छापा मारा गया और सारे वर्कर्स को आजाद कराया गया। नंबर 4, क्रूल किंग। अगर आप सभी ब्रिटिश राज के इतिहास के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्रिटिश राज में बहुत से किंग द्वारा गद्दी संभाली गई और शासन किया गया। इनमें से कुछ किंग बहुत अच्छे और कुछ बहुत बेरहम होते थे। ऐसे ही एक किंग थे, रिचर्ड तृतीय, जो कि इतने ज्यादा बेरहम थे कि इतिहास में उन्हें एक राजा नहीं बल्कि गद्दार के रूप में दर्शाया गया है। हालांकि 1485 में एक युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि 2012 में ब्रिटिश शहर लेस्टर के पार्किंग लॉट में खुदाई के दौरान उनका कंकाल मिला जो कि असली था। अब आपके मन में एक ख्याल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये पता कैसे चला कि ये कंकाल उनका ही है। वेल, इसके लिए बहुत से इतिहासकारों और आधुनिक मशीनों की मदद ली गई और यह प्रूफ किया गया कि कंकाल उनका ही है। नंबर 3, बसानोवाज। दोस्तों, ये बात आज तक साफ नहीं हो पाई है कि बसानोवाज असली है या फिर एक काल्पनिक चीज, पर इसके पीछे की कहानी बहुत ही ज्यादा रोचक और डरावनी है। इस वाज का प्रमाण 15वीं सदी में मिलता है, जहां यह एक नई दुल्हन को उसकी शादी में गिफ्ट के तौर पर मिला था। पर जैसे ही उसने इस वाज को अपने कमरे में सजाया, उसकी मौत हो गई, जिसके बाद ये वाज उसके परिवार के पास पहुंच गया। जैसे ही ये वाज उसके परिवार के पास पहुंचा, उसके परिवार की किस्मत भी खराब होने लगी, जिसके बाद परिवार के द्वारा इटली में ही कहीं दूर जमीन के अंदर दफन कर दिया गया। 1988 में खुदाई के दौरान ये वाज एक आदमी को मिला और जब ये वाज उठाया गया तो इसमें एक चेतावनी लिखी हुई थी कि सावधान रहो, क्योंकि यह वाज मौत लेकर आता है, जिसके बाद उस आदमी द्वारा वो वाज एक नीलामी में 1.7 लाख रुपए में नीलाम कर दिया गया। दोस्तों, आप सभी को ये जानकर हैरानी होगी कि जिस फार्मासिस्ट द्वारा इस वाज को खरीदा गया था, उसे खरीदने के महज 3 महीने के अंदर ही मृत्यु को प्राप्त हो गया, जिसके बाद दोबारा इसे एक कांच के शोकेस में बंद करके किसी अनजान जगह में गाड़ दिया गया। नंबर 2, प्लेग पिट्स। दोस्तों, 2009 में लंदन में अंडरग्राउंड रेलवे लाइन का काम शुरू हुआ। इसका मकसद था 73 मील तक लंबी रेलवे लाइन बिछाना, जिसका काम 2022 तक पूरा होगा। पर क्या आप सभी को इसके बारे में जानकारी है कि इस अंडरग्राउंड रेलवे लाइन के लिए सुरंग की खुदाई करते समय यहां पर 42 इंसानों के कंकाल मिले थे जो कि एक जमीन के अंदर बने गड्ढे में मौजूद थे। जब पता चला कि यह कंकाल 1965 के हैं, तब समझ आया कि 1965 में आई एक महामारी की निशानी है। दोस्तों, इस तरह के गड्ढे दुनिया में पहली बार खोजा गया था, जिस वजह से बहुत से लोगों का ध्यान इसकी तरफ गया। अब जैसे बहुत से गड्ढे खोजे जा चुके हैं जिनमें महामारी की वजह से लाशें भर दी गई, फिर अच्छी बात तो ये थी कि इन गड्ढों में अब तक कोई जीवित वायरस नहीं मिला जो कि हम इंसानों को नुकसान पहुंचा सके। नंबर 1, टेराकोटा सोल्जर्स। दोस्तों, चीन के एक गांव में जब एक किसान अपने खेत में गड्ढा खोद रहा था, तब अचानक उसकी नजर एक सैनिक के स्टैचू पर पड़ी जो कि जमीन के अंदर से निकला था। उस स्टैचू को देखने के बाद वो और खुदाई करता है और उसे सैनिकों की पूरी फौज के स्टैचू मिल जाते हैं जो कि सैकड़ों की संख्या में जमीन के अंदर से निकले थे। दोस्तों, ये स्टैचू चीन के एक शासक के सेना के थे जो कि बहुत ही ज्यादा बेरहम था।
इसके बाद इस जगह को चीन की सरकार द्वारा कब्जे में ले लिया गया और आगे की खुदाई की गई, जिसके बाद यहां 8000 सैनिकों के स्टैचू और रथ मिले जिनमें घोड़े बंधे हुए थे। स्थानीय लोगों के अनुसार ये स्टैचू श्रापित हैं, जिस वजह से जो भी इन्हें देख लेता है उसकी जिंदगी में कोई ना कोई अनहोनी जरूर होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।